हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी मशीन की वर्किंग समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा पॉइंट मेरा मिस हो गया था भाई, उसको भी देख लेते हैं ज़रा। मान लीजिए मेरे पास फोर पोल की मशीन है, मान लीजिए फोर पोल की मशीन है भाई, मान लीजिए एन है, यहाँ पे एस है, एन है, यहाँ पे क्या है, एस है। और मान लीजिए इसके अंदर रोटर है भाई, रोटर के उत्तर मान लीजिए मेरे पास दो पोल है, मान लीजिए यहाँ पे एस है, जे क्या है, एन है, किसी पोजीशन पे मान लीजिए जे मेरे पोल होंगे। क्लियर? मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो एस और एन है ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एस से एस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली ये एन और एस को क्या करेंगे राजी, अट्रैक्ट करेगा। एन एन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे रोटर पे फोर्स कैसे लग रही है, इस तरफ। इस पोजीशन पे फोर्स कैसे लग रही है, इस तरफ। अगर रोटर के पोजीशन पे फोर्स इस यहाँ पे इस तरफ लग रही है और दूसरी साइड ऐसे लगती, तो रोटर मेरा इस डायरेक्शन में रोटेट कर पाता। लेकिन क्या हो रहा है, अपर वाले पार्ट में तो ऐसे लग रही है और नीचे वाले पार्ट में फोर्स कैसे लग रही है, अपोजिट लग रही है। इसका मतलब ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर मैं दूसरी पोजीशन से देखूँ, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ये जो एस है एस को रिपेल करेगा, और ये एन है एन को रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हैं पॉइंट? तो अट्रैक्ट करेगा मतलब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन इसको रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आपका जो रोटर है भाई वो रोटेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब सेकेंड केस देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये स्टेटर है, ये मेरे पास स्टेटर पार्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक रोटर है, यहाँ पे एस एन एस एन, चार पोल की मशीन है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चार पोल यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, एस एन एस एन। समझ रहे पॉइंट? मान लीजिए मेरे पास चार पोल मेरे पास स्टेटर के ऊपर है और चार ही पोल मेरे किस पे है भाई, रोटर के ऊपर है। अब देखिए जो फोर्स की जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ये एन एस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एन एन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एस एन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एस एस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एस एन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एन एस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एस एस को क्या करेगा राजे, रिपेल करेगा। इसका मतलब जो आपका रोटर है वो कंटिन्यूली किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा भाई, इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला दोनों में से, तो नोट करके लिख लो भाई। फॉर द कॉन्टिन्यूअस टॉर्क प्रोडक्शन, फॉर द कॉन्टिन्यूअस ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्टेटर पोल मस्ट बी इक्वल टू किसके भाई, इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल। इसका मतलब भाई, अगर आपने मोटर को रोटेट करवाना है, नंबर ऑफ रोटर पोल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर पोल। अगर इक्वल नहीं होंगे राजे, तो एक साइड पे फोर्स मेरी अलग लगेगी, दूसरी साइड पे फोर्स मेरा अलग लगेगा, तो मेरा मोटर रोटेट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं भाई पॉइंट? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, कंटिन्यू टॉर्क प्रोडक्शन के लिए आपके रोटर और स्टेटर के जो पोल है भाई वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। क्लियर? तो यहां से मैंने आपको बताया भाई कंसेप्ट ऑफ पोल्स। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन है, ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल मशीन का मेरा स्टेटर है, समझ रहे पॉइंट, ये मेरे पास भाई क्या है, रोटर है। क्लियर? इनसाइड मेरे पास क्या है भाई, रोटर स्पोज, ये मेरे पास मशीन थी। क्लियर? ये मेरा रोटर पार्ट होता है भाई, सॉलिड आयरन हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, मैंने कोई एक पॉइंट फिक्स किया, अल्फा इक्वल टू जीरो, कोई भी मैंने अल्फा इक्वल टू जीरो एंगल ले लिया। मतलब ये हुआ, मैं स्पेस के अकॉर्डिंग देखना चाहूँगा इसके अंदर फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और दूसरा अगर मैं इसकी वाइंडिंग को करंट प्रोवाइड करूँ, दैट डिपेंड अपॉन द टाइम, मतलब कौन सा करंट मैं दे सकता हूँ ऐसा, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जो मेरी फ्लक्स है, जो फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल होती है भाई, एन आई डिवाइड बाई रिलक्टेंस। अगर ये आई करंट मेरा टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब जो मेरी फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी करेगी। और सिमिलरली अगर मैं इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग देखूं, पोजीशन का मतलब है स्पेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि पहला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो फ्लक्स कितनी नजर आ रही है, फिर मैं यहाँ पे खड़के देख रहा हूँ मुझे कितनी फ्लक्स नजर आ रही है, ऐसे ऐसे मैं पूरी आपकी जो सराउंडिंग बॉडी है ओवर द पेरिफेरल मैं देख रहा हूँ मेरी जो फ्लक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी है। समय को रोक दिया मैंने, टाइम को मैं एक जगह पे फिक्स कर दिया, मान लीजिए 2 सेकंड के ऊपर मैंने देखा, 2 सेकंड के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गया होगा इसके अंदर। फिर मैं उसको अलग अलग पोजीशन पे देखूंगा कि मेरी जो फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। क्लियर? वो आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव देख लें। पहला है आपका फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, इसका मतलब ये पोजीशन हो गया और ये टाइम हो गया। अगर मान लीजिए मैं कोई क्वांटिटी ऐसी कंसीडर कर रहा हूँ, मान लीजिए वोल्टेज, दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, और मान लीजिए उसकी वैल्यू है मेरे पास बी एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो आप देख सकते हो भाई पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना भाई क्या होगा। अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट करूँगा, टी की वैल्यू जीरो पुट करनी, ऐसा करिए इसको कॉस ले लो भाई, तो इजी रहेगा, क्योंकि साइन के अंदर यहाँ पे माइनस का चक्कर पड़ेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, नेगेटिव बाहर निकालो, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बी एम कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी। मान लीजिए मैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देखना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ बी अल्फा टी। अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो क्या बचेगा, बी एम कॉस अल्फा, इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो। जे टी इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, इस केस में मेरी वैल्यू कितनी आएगी राजे, बी एम कॉस अल्फा, क्लियर। इसके बाद मान लीजिए इसको मैंने टी इज इक्वल टू जीरो पे देख लिया, इसका मतलब इसकी जो वेव फॉर्म होगी ऐसी वेव फॉर्म बनेगी, मीन्स कोसाइन वेव बनेगी, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अब मैं देखना चाह रहा हूँ एट टी इज इक्वल टू टी वन, मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू पुट की टी इज इक्वल टू टी वन, तो वेव फॉर्म कैसी बन जाएगी मेरी, एट टी इज इक्वल टू टी वन बी एम कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी वन। अब ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, लैग करेगा, पहले से एंगल क्या करेगा, लैग, कितना, ओमेगा टी वन। इसका मतलब अब ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट कब कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, लैगिंग का मतलब क्या है भाई, जल्दी से बताइए भाई, लैगिंग का मतलब मेरा कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं पॉइंट, ओमेगा टी वन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे मेरी पीक वैल्यू आएगी, तो ऐसे ही मेरी वेव फॉर्म बन जाएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरा पॉइंट है वो मेरा क्या है, आगे की तरफ दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अनदर टाइम टी टू पे देखूं तो कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी टू, तो ओमेगा टी टू, ये मेरे पास डिस्टेंस ही ओमेगा टी वन, तो आगे मेरी ओमेगा टी टू बन जाएगी, मतलब यहीं कहीं पर होगा, यहाँ पर पीक वैल्यू होगी, ऐसे नजर आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरा पीक पॉइंट है ये मुझे आगे को जाता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब ये कौन सी वेव फॉर्म है भाई, ऐसे ऐसे चलती नजर आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये है भाई, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। अगर इस टाइप की फ्लक्स मैं रोटर को दे दूं, तो रोटर के अंदर फ्लक्स ऐसे तो मूव नहीं कर पाता, ये तो सर्कुलर है आपका, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इस टाइप की वेव फॉर्म मेरी फ्लक्स की बन रही है, इस टाइप की, चाहे साइन हो चाहे कोसाइन हो, उसमें जो आपकी जो फ्लक्स बनेगी वो क्या होगी, रोटेटिंग होगी। और अगर मैं बोलूं किस स्पीड से रोटेट करेगा, तो स्पीड से रोटेट करने के लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, समझ रहे पॉइंट। अगर मैं कोई ऐसा अरेंजमेंट करूं कि मैं इस वेव फॉर्म के साथ उतनी ही स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करूं, तो मुझे एक चीज बताइए, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं यहां पे रुका हुआ था, जिस स्पीड से मेरी वेव रोटेट कर रही है, अगर उसी पोजिशन से उतनी स्पीड से मैं रोटेट करना स्टार्ट करूं, तो मुझे हर टाइम पे एक ही पॉइंट नजर आएगा, क्लियर। मान लीजिए कोई भी इंस्टेंट, मान लीजिए इस इंस्टेंट पे आप उसी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करोगे, तो मुझे हर टाइम ये पॉइंट ही नजर आएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड, जो जो एंगल होगा इसका, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नजर आएगा, ओमेगा टी माइनस अल्फा मस्ट भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ राजे, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा भाई, इसका ओमेगा माइनस डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, इट मीन्स डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा। इसका मतलब इसकी जो स्पीड होगी भाई, किस स्पीड से रोटेट करेगा जी, ये जो वेव फॉर्म मेरी रोटेट कर रही है, दैट रोटेट एट द स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। समझ आई हुई इतनी बात, और मुझे ये पता चला, जब भी मेरी वेव फॉर्म इस टाइप की होगी, बी एम कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा और बी एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो मेरी जो फ्लक्स होगी भाई वो की होगी रोटेटिंग, और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रोटेटिंग वेव फॉर्म होगी, और उसकी जो स्पीड होगी वो डिफाइंड मेरी यहां से हो जाएगी, दैट इज रोटेटेड एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है भाई, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है भाई। तो सिमिलरली हम सेकेंड वेव फॉर्म देखते हैं, दैट इज अ बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो लिखिए नेक्स्ट, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, यहां पे मैं लिखूंगा भाई बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। मान लीजिए मेरे पास है भाई बी एम कॉस ओमेगा टी प्लस
अल्फा, क्लियर। यहाँ पे प्लस साइन होगा, वहां पे क्या था, माइनस साइन था, क्लियर। चाहे आप साइन के साथ देख लो भाई, चाहे आप कॉस के साथ देख लो, मीनिंग दोनों का भाई सेम ही होता है, समझ रहे हैं पॉइंट। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पे देखूं तो मेरी वेव फॉर्म कैसी नजर आएगी, अगर मैं देखूं एट टी इज इक्वल टू जीरो वेव फॉर्म नजर आएगी बी एम साइन अल्फा, और मैं वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देख रहा हूं, दैट इज बी एक्स इन टू टी, तो वेव फॉर्म कैसी नजर आएगी रजे, इस टाइप की वेव फॉर्म नजर आएगी, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। अगर मैं एट टी इज इक्वल टू टी वन की बात करूं, एट टी इज इक्वल टू टी वन तो क्या आ जाएगा, बी एम साइन अल्फा प्लस ओमेगा टी वन, ओमेगा टी वन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, और प्लस का मतलब क्या होता है भाई, लीड करेगा, लीड कैसे करता है, पीछे से स्टार्ट होगी, इसका मतलब वेवफॉर्म, तो इसका मतलब ये वेवफॉर्म सेम होगी, बस हल्की सी इधर को शिफ्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो वेवफॉर्म होगी भाई कुछ इस टाइप से बनेगी, समझ रहे पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा पीछे को हट जाएगा, क्लियर। फिर अगले इंस्टेंट की बात करूं, टाइम मेरा इंक्रीज करेगा, ओमेगा टू टी टू की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी, वेवफॉर्म और इधर को आ जाएगी, इसका मतलब मेरी वेवफॉर्म जो होगी वो पीछे को मूव करती हुई नजर आएगी, इसका मतलब इस टाइप की इक्वेशन जब यहाँ पे प्लस होगा इसको बोलते हैं भाई बैकवर्ड, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, क्या बोलते हैं राजे, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। और मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो स्पीड क्या होगी, अगर इसी स्पीड से मैं भी रोटेट करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे कोई भी पॉइंट ले लो, वो हर टाइम मुझे वही पॉइंट मेरा नजर आएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेन पे बैठा हूँ, समझ रहे हैं पॉइंट, एक दूसरी ट्रेन और सेम पटरी पे चल रही है, क्लियर, दो ट्रेन मान लीजिए पैरेलल में चल रही है, समझ रहे हैं पॉइंट। इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और इसकी भी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आर। अगर दोनों की स्पीड सेम है, मान लीजिए आप इस विंडो के आसपास बैठे हो तो आपको हर टाइम ये विंडो ही नजर आएगी, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ आपका जो एंगल है भाई, ये एंगल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मींस ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मुझे स्पीड चाहिए, ये अल्फा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रोटेटिंग है ना, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा प्लस डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी बराबर जीरो, ये क्या मेरी स्पीड, तो डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा राजे, माइनस ओमेगा। तो आप देख सकते हो भाई पहले केस में ओमेगा आया था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ओमेगा, मतलब ये पहले वाली वेव फॉर्म से उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगी, इसका मतलब ये क्या भाई, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो अगर यहाँ पे माइनस होता है तो फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगी भाई, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। आगे एक और होती है तीसरी, दैट इज स्टैंडिंग वेव, उसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए भाई। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भाई, पल्सेटिंग वेव, मतलब वो मूव नहीं करेगी, एक जगह पे रुकी हुई नजर आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। तो अगर कोई वेवफॉर्म इस टाइप की आपको मिल रही है, अल्फा टी का अगर कोई फंक्शन है बी एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा, समझ रहे हैं पॉइंट, मान लीजिए साइन और कॉस है, तो इस टाइप की कोई भी वेवफॉर्म है, या दोनों कॉस भी हो सकते हैं, दोनों साइन भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इस टाइप की जो वेवफॉर्म आएगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा राजे, तो बताइए क्या होगा। अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पे देखूं, टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, साइन जीरो इज जीरो। मान लीजिए टी इज इक्वल टू टी वन पे देखूं, टी इज इक्वल टू टी वन पे मुझे एक चीज बताइए, ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा टी वन मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और साइन कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब किसकी तरह ट्रीट करेगी भाई, कोसाइन वेव फॉर्म की तरह, समझ रहे हैं भाई पॉइंट, ऐसे होगा, क्लियर है भाई पॉइंट। अगर इसके बाद मैं देखूं, ये थी मेरी एट टी इज इक्वल टू टी वन, अगर मैं एट टी इज इक्वल टू टी टू देखूं तो बस इसकी वैल्यू चेंज करेगी, ओमेगा टी की वैल्यू, क्योंकि टाइम जो होता है मेरा वो पहले 1 सेकंड इसके बाद 2 सेकंड आएगा, मींस इंक्रीजिंग आएगा, इसका मतलब ये हुआ ओमेगा टी टू पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है साइन अगर 30 की बात करूं 1/2, अगर मैं साइन 45 की बात करूं 0.707, ये होता है 0.5, अगर मैं साइन 60 डिग्री की बात करूं तो इसका आंसर कितना होता है 0.866, अगर साइन 90 की बात करूं इसकी वैल्यू कितनी होती है राजे 1, अगर मैं 90 से जैसे ही क्रॉस करूंगा जैसे 100 डिग्री उसकी वैल्यू फिर क्या होने स्टार्ट हो जाती है भाई, कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं टी टू की बात करूंगा तो देखिए कॉस अल्फा तो वैसे वेरिएशन सेम रहेगी लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम ज्यादा होगा टाइम के साथ। इसका मतलब ये हुआ अगले इंस्टेंट पे हो सकता है ऐसे होगा, समझ रहे भाई पॉइंट। तो इसका मतलब इसकी जो वेवफॉर्म नजर आएगी मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी, समझ रहे भाई पॉइंट। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि वेवफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है भाई वो साइन की मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो ऐसी नजर आएगी, क्लियर। ऐसे भी हो सकता है कि साइन की जो मैग्नीट्यूड है भाई वो नेगेटिव हो जाए
क्लियर। तो इसका मतलब जस्ट मेरा उसी पॉइंट पे रुकी हुई नजर आएगी, जे ट्रैवलिंग नहीं है उसी जगह पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम ज़्यादा हो रहा है। समझ रहे हैं भाई पॉइंट, उसी पॉइंट पे ऊपर इसका जो मैग्नीट्यूड है भाई वो कम ज़्यादा हो रहा है। क्लियर। इसका मतलब इस टाइप की जो वेव फॉर्म होती है, अगर इस टाइप का मैं फ्लक्स मेरा किसी भी मशीन के अंदर होगा उसकी वजह से मेरा जो फ्लक्स है वो रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। समझ रहे हैं पॉइंट। मीन्स इस टाइप की वेव फॉर्म को क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग वेव फॉर्म, पल्सेटिंग और स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जो वेव फॉर्म बनती है ना स्टैंडिंग वेव, आप सॉल्व करना इसको, दैट इज द समीशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेव। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, स्टैंडिंग जो वेव होती है दैट इज इक्वल टू बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव प्लस फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। अगर इसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों वेव है तो वो मेरी वेव फॉर्म कौन सी बनेगी भाई, स्टैंडिंग वेव बनेगी। क्लियर। तो जहां तक कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने के लिए ये चीज करनी पड़ी, अगर माइनस होगा तो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग, प्लस होगा तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग, अगर साइन और कॉस दोनों है इसका मतलब क्या होगा, दैट इज स्टैंडिंग वेव। समझ रहे पॉइंट। अब देखते हैं भाई सिंगल फेज फ्लक्स का नेचर क्या है। क्लियर। अब आपने याद रखना भी, इस टाइप का कोई भी नेचर बनेगा आप बता सकते हो इजिली फ्लक्स का नेचर क्या होगा। क्लियर। अब सिंगल फेज फ्लक्स का थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट क्या होगा। तो सिंगल फेज फ्लक्स का देखिए भाई जल्दी से कंसेप्ट, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा, बताइए सिंगल फेज फ्लक्स अगर मैं किसी चीज को दे दूं तो उसकी जो स्पीड होगी या क्या नेचर होगा। समझ रहे पॉइंट। तो देखिए पहले सिंगल फेज फ्लक्स। क्लियर। तो सिंगल फेज फ्लक्स है, मान लीजिए मेरे पास मशीन है, ये मेरे पास भाई मशीन है, सपोज ये मेरे पास मशीन है, ये मेरे पास स्टेटर है और ये मान लीजिए मेरे पास क्या भाई रोटर है। क्लियर। यहाँ पे एन पोल बना हुआ है, यहाँ पे क्या है एस पोल बना हुआ है। समझ रहे पॉइंट। जहाँ ऐसे ज्यूम करिए, यहाँ पे मैंने वाइंडिंग लगा रखी है, उसमें करंट बाहर जा रहा है, इस पर क्या कर रहा है एंटर कर रहा है, इसे बाहर निकलेगा, डॉट का मतलब होता है बाहर, इसमें एंटर करेगा। समझ रहे पॉइंट। और मैं देखना चाह रहा हूँ फ्लक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी। मान लीजिए मेरी अल्फा इज इक्वल टू जीरो वाला पोजीशन है, इस पे जो मैंने करंट दे रही है वो मैंने साइनोसोडियल करंट दे रखा है। कौन सा करंट दे रखा है भाई, साइनोसोडियल। इसका मतलब जो मेरी फ्लक्स आएगी, सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज करंट मैंने दे रखा है, मान लीजिए आई मैंने दे रखा है आई एम साइन ओमेगा टी। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा तो ऐसे बाहर निकलेगा और इसमें क्या करेगा एंटर करेगा, ऐसे जाएगा घूमेगा फिर एंटर करेगा। क्लियर। इसका मतलब बाहर की तरफ करंट जाएगा, बाहर फिर ऐसे, इसका मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ इससे जो फ्लक्स बनेगा राजे वो क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन को बनेगा। समझ पाई इतनी बात। और मुझे एक चीज बताइए, हर एक जगह पे जो मेरा गैप है, एयर गैप क्या है भाई, वो सेम है। अगर मैं इसकी रिलक्टेंस जीरो ज्यूम कर लूँ, जो मेरा आयरन वाला पार्ट है, अगर इसकी रिलक्टेंस जीरो मैं ज्यूम करूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था भाई अगर याद हो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, जिसकी रिलक्टेंस होती है ज़्यादा तो मैक्सिमम एमएफ मेरा वहां पे यूज़ होता है। समझ रहे हैं पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखूं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगी। क्लियर। मुझे इस पोजीशन पे बताइए, मुझे इस पोजीशन पे सेम नजर आएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे फ्लक्स मेरी ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे एन पोल बनेगा राजे, यहाँ पे क्या बनेगा एस पोल बनेगा, क्योंकि मैं स्टेटर की बात कर रहा हूँ, स्टेटर एयर में एन टू एस जाती है। क्लियर। तो मुझे एक चीज बताइए, इस पोजीशन पे फ्लक्स मेरा सेम होगा, सेम होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर किसका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, एस पोल का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जीरो पे ये फ्लक्स मेरी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बाद मेरी कांस्टेंट ही रहेगी राजे, क्यों, क्योंकि एयर गैप मेरा सेम है, लेकिन इसके बाद एन का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, एस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव फ्लक्स ज्यूम कर रहा हूँ जो अंडर एन है, इसका मतलब एस के अंडर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की। समझ रहे पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए यहाँ तक मेरी पॉजिटिव फ्लक्स थी, अब जे वाला पॉइंट आ गया, जे वाले पॉइंट के बाद एस का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरी फ्लक्स क्या हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी, और ऑलवेज क्या रहेगी राजे, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि एयर गैप मेरा क्या राजे, कांस्टेंट है, तो मेरी वेव फॉर्म जो बनेगी राजे इस टाइप की बनेगी। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। अगर यहीं पे अगर मैं अपना स्टेटर, सॉरी जो रोटर होता, अगर मैं उसको इस टाइप का ले लेता, मान लीजिए मेरा रोटर इस टाइप का होता, तो फ्लक्स की वेरिएशन क्या होती, या मान लीजिए इसके पोल ही मैंने ऐसे ज्यूम कर लिए,
मान लीजिए यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे क्या राजे एस पोल है, यहाँ पे क्या राजे एस पोल है, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू जीरो की बात करूं, अल्फा इज इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मुझे एक चीज बताइए यहां पे फ्लक्स क्या है भाई, मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगी, फिर हल्के हल्के से इंक्रीज करेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप मुझे कांस्टेंट नजर आएगा। अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूँ, ये मेरे पास रोटर हो जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट, तो यहाँ पे एयर गैप मुझे बहुत ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन यहाँ तक एयर गैप मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इसकी वे फॉर्म देखूँ अल्फा के साथ कैसे वेरी करेगी मेरी फ्लक्स, ये अल्फा मेरा यहाँ पे जीरो है, समझ रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरा जीरो रहेगा, इसके बाद क्या होगा राजे, हल्के हल्के से इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हल्के हल्के से इंक्रीज किया फिर मेरा कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक, इसके बाद फिर मेरा डिक्रीज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा राजे, जीरो हो जाएगा, ऐसे जाएगा जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब फ्लक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस केस में ऐसी होगी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। मैं स्पेस के साथ देख रहा हूँ राजे, हर एक पोजीशन पे जाके देख रहा हूँ मेरी फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, क्लियर। ये वेरिएशन होती है भाई, डीसी मशीन का सर्किट ऐसा ही होता है, तो डीसी मशीन के अंदर जो मेरी फ्लक्स की जहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो वेव फॉर्म है वो क्या बनती है भाई, इस वेव फॉर्म को बोलते हैं फ्लैट टॉप्ड। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, फ्लैट टॉप्ड इन केस ऑफ डीसी मशीन, जो मेरी फ्लक्स की वेव फॉर्म है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो वेव फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी भाई, फ्लैट टॉप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो ये वेरिएशन ये थी। अगर मान लीजिए किसी ने बोला मैं सर अल्फा यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ये मेरा अल्फा इज इक्वल टू जीरो की पोजिशन है, तो मुझे एक चीज बताइए जो अल्फा इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है वहां पे मेरी फ्लक्स क्या है भाई, मैक्सिमम है, देखो एन और एस पोल है, यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ जो मेरी फ्लक्स की वेरिएशन है राजे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मेरी कम होगी, फिर मेरी ऐसे जाएगी, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो इस टाइप की वेरिएशन मेरी नजर आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं हार्मोनिक्स को निगलेक्ट कर दूं, इसके अंदर हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल, अगर प्योरली मेरा फंडामेंटल है तो इसका मतलब मेरी वेव फॉर्म ऐसी बनेगी राजे, क्लियर, आगे डिस्कस करूंगा। इसका मतलब अगर ये साइनोसोडियल वेव फॉर्म बना लूं, मीन्स हार्मोनिक्स इसके अंदर निगलेक्ट कर दूं, तो मेरी जो वेव फॉर्म बनेगी राजे इस टाइप की बनेगी, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं, यहां से अगर मैं हार्मोनिक्स को निगलेक्ट करूंगा तो वेवफॉर्म कैसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी। वो डिपेंड करेगा आपने अल्फा इक्वल टू जीरो कहां पे लिया, अगर यहां पे अल्फा जीरो लिया है तो कोसाइन वेवफॉर्म बनेगी, अगर अल्फा यहां पे जीरो लिया तो साइन वेवफॉर्म बनेगी, समझ रहे हैं पॉइंट। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, पीएसपीसीएल के लिए इतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट बने राजे, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन हर एक लेक्चर में आपको समरी मिलेगी, बस समरी वाला जो पोर्शन होगा दैट इज सफिशियंट फॉर पीएसपीसीएल जेई, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसीलिए, सो दैट आपको मशीन में इंजॉय आप करूं इसको, ठीक है, जो जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है आपको एकदम में समझ में आए, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मेरी जो फ्लक्स की वेवफॉर्म बनेगी ये बनेगी, लेकिन यहां पे रोटर मैं सिलेंड्रिकल लेके चल रहा हूं, इसका कंसेप्ट अभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं फ्लक्स की वेवफॉर्म की बात करूं तो इस टाइप की स्क्वायर वेवफॉर्म बनेगी, समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं यहां से हार्मोनिक्स को निगलेक्ट कर दूं, अगर हार्मोनिक्स मैं निगलेक्ट कर दूं राजे, तो मेरे पास क्या बनेगा, इसकी जो वेरिएशन आएगी राजे कैसे आएगी, यहाँ पे कैसे आएगी, ऐसे आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। मतलब क्या हुआ, जो मेरी फ्लक्स की वेव फॉर्म है, ये मेरी बी की वेरिएशन थी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, बी एम कॉस अल्फा, ये देखो कोसाइन वेव की तरह चल रही है, अगर यहां से स्टार्ट होती तो साइन वेव होता, क्लियर। इसका मतलब जो मेरी वेव फॉर्म बनेगी राजे वो कोसाइन बनेगी, इसका मतलब ये हुआ जो मेरी फ्लक्स है भाई उसको मैंने करंट कौन सा दिया, साइनोसोडियल। फ्लक्स क्या होता है, एन आई डिवाइड बाई रिलक्टेंस, मतलब करंट मेरा साइनोसोडियल है, तो ये टाइम के साथ भी वेरी कर रही है और साथ के साथ पोजीशन के साथ भी वेरी कर रही है, क्लियर। अगर मैं सिंगल फेज फ्लक्स की वेव फॉर्म लिखूं, मतलब अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं राजे, तो देखिए क्या बनेगी, तो सिंगल फेज फ्लक्स की जो मेरी वेव फॉर्म आएगी दैट वेरी विद टाइम और अल्फा, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू एन डिवाइड बाई रिलक्टेंस, आई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे आई एम साइन ओमेगा टी इन टू फ्लक्स वेरी विद पोजीशन ऑल्सो, कैसे वेरी कर रही थी आपने देखा था कोसाइन की तरह, क्लियर। अगर मैं इसको फाई एम बोल दूं तो क्या बनेगा, फाई एम साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। तो मुझे एक चीज बताइए, अभी अभी आपने देखा था भाई, तो ये जो मेरी वेव फॉर्म बनी है राजे किस वेव फॉर्म की तरह बन रही है, जो फ्लक्स है ये कौन सी वेव फॉर्म बन रही है राजे, स्टैंडिंग वेव फॉर्म, दैट इज स्टैंडिंग वेव फॉर्म। इसका मतलब इसके अंदर
फॉरवर्ड फ्लक्स भी है और क्या भाई बैकवर्ड फ्लक्स भी है, क्लियर। तो आपको ये भी बताया जो स्टैंडिंग फ्लक्स होती है वो मेरी क्या होती है भाई, पल्सेटिंग होती है। अगर ऐसी फ्लक्स मैं किसी भी मोटर को दे दूंगा उसके साथ ये मोटर क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, रोटेट नहीं कर पाएगी, वाइब्रेट करेगी। इसीलिए जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है अगर मैं उसमें कैपेसिटर ना यूज करूं, डायरेक्ट सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो मोटर होगी वो वाइब्रेट करेगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो आगे उसको रोटेट कैसे करेंगे वो नेक्स्ट इंडक्शन मोटर में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप यहां पे देखिए जो आपकी जो वेव फॉर्म बनेगी सिंगल फेज फ्लक्स की वो क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। इसका मतलब नोट करके पॉइंट लिख लीजिए पीएसपीसीएल जेई के लिए, जो आपकी सिंगल फेज फ्लक्स होती है भाई वो क्या होती है, पल्सेटिंग फ्लक्स होती है, दैट इज पल्सेटिंग फ्लक्स। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि सिंगल फेज फ्लक्स का नेचर बताइए क्या होता है, दैट इज पल्सेटिंग इन नेचर, क्लियर है भाई पॉइंट। आगे देखते हैं फिर थ्री फेज फ्लक्स, तो थ्री फेज फ्लक्स का नेचर भी देख लेते हैं भाई क्या होगा। तो थ्री फेज फ्लक्स के केस में क्या होगा, मुझे थ्री फेज करंट देना पड़ेगा, थ्री फेज करंट के साथ जो मेरी फ्लक्स बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो मेरी रिजल्टेंट फ्लक्स बनती है भाई वो बनती है थ्री फाइव एम डिवाइड बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो आप देख सकते हैं मुझे किसकी वेव फॉर्म बनेगी भाई, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ये है भाई फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी मेरे पास स्टेटर है, अगर इसको मैंने थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की, थ्री फेज सप्लाई से जो थ्री फेज फ्लक्स आएगी राजे वो क्या होती है, क्या होती है वो ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग है ना, इसका मतलब रोटेटिंग फ्लक्स बनेगी। जब भी मैं बोलूं किसी भी चीज को थ्री फेज जैसे ही फ्लक्स प्रोवाइड किया तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो फ्लक्स बनेगी राजे वो क्या बनेगी, रोटेटिंग बनेगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ अगर ये स्टेटर है, ये एन है, ये एस है, ये क्या करेगा भाई, रोटेट करेगा, समझ रहे हैं पॉइंट। ये एन और एस पोल जो बनेंगे ड्यू टू थ्री फेज सप्लाई, ये क्या करेंगे राजे, रोटेटिंग इन नेचर बनेंगे, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, किस स्पीड से रोटेट करेंगे, ये जो ओमेगा था दैट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो मैं बाहर से दे रहा हूं बी और एफ, ये वही फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है, टू पाई इंटू एफ। तो मुझे एक चीज बताइए, ये रोटेटिंग है आपको पता है इसकी स्पीड कितनी होगी, पीछे तो निकाला था आपने डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ओमेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है भाई, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई की है उसी फ्रीक्वेंसी से आपका ये फील्ड रोटेट करेगा। और पीछे मैंने आपको थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में आपको एक रिलेशन निकाला था भाई, जो आपकी ये स्पीड है अगर मैं इसको रेडियन पर सेकेंड में देखूं तो इसकी स्पीड कितनी आ जाती है राजे, एन एस 120 एफ वाई पी। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, जैसे ही मैं थ्री फेज सप्लाई आपके स्टेटर को प्रोवाइड करूंगा उसके साथ इसमें रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, रोटेटिंग फ्लक्स मीन जो एन और एस पोल है आपके वो रोटेट करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेंगे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी मीन सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करेंगे। और उसकी जो स्पीड होगी राजे वो कौन सी होगी, सिंक्रोनस स्पीड, बिकॉज मैंने एफ की वैल्यू निकाल रखी थी वहां पे रोटेशन पर मिनट के केस में आरपीएम में, तो इतनी आएगी, दैट इज आरपीएम। इसका मतलब बस एक चीज याद रखना, जैसे ही मैं थ्री फेज सप्लाई किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करूंगा, किसी भी मशीन को प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ रोटेटिंग फ्लक्स बन जाएगी जिसकी स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड। तो वो किस स्पीड से रोटेट करेगा भाई, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, समझ रहे पॉइंट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कौन सा, थ्री फेज फ्लक्स। एक चीज याद रखना भाई, इसके अंदर मैंने हार्मोनिक्स का इफेक्ट नहीं देखा, मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में वेवफॉर्म ऐसी बनी थी आपकी, एक्चुअल में वेवफॉर्म आपकी ऐसी बनी थी, लेकिन मैंने इसके अंदर हार्मोनिक्स को नहीं इंक्लूड किया, मैंने जो भी वेवफॉर्म ड्राइव की है फॉर यहाँ से की थी, अगर मैं हार्मोनिक्स को निगलेक्ट कर दूँ तो ऐसी वेवफॉर्म बनेगी। अगर मैं हार्मोनिक्स को मान लीजिए इंक्लूड करूंगा तो मेरी जो वेवफॉर्म बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है, क्लियर। तो इसके अंदर भाई हार्मोनिक्स आ जाएंगी। हार्मोनिक्स का मतलब देखो भाई क्या होता है, एक होती है फंडामेंटल टर्म, फंडामेंटल टर्म का मतलब होता है वो वाली टर्म जो मुझे रिक्वायर्ड होती है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो मेरे रिक्वायर्ड कंपोनेंट होता है एसी के केस में वो क्या होता है भाई, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज वाला कंपोनेंट मेरा फंडामेंटल कंपोनेंट है, और इससे अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे हार्मोनिक्स, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, दैट इज 50 हर्ट्ज वाला कंपोनेंट, जिसको क्या बोलते हैं भाई बताइए जल्दी से, क्या बोलते हैं जिसको, फंडामेंटल कंपोनेंट, अपने माइंड में बिठा लीजिए। फंडामेंटल कंपोनेंट मींस वो वाला कंपोनेंट जो मुझे रिक्वायर्ड होगा, इन केस ऑफ एसी फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा, 50 हर्ट्ज वाला, और इन केस ऑफ डीसी जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी वो मेरा होगा फंडामेंटल कंपोनेंट। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट होगा डीसी के केस में, मान लीजिए 50 हर्ट्ज वाला कंपोनेंट, इन केस ऑफ डीसी मेरा क्या होगा, हार्मोनिक्स होगा, ये चीज पॉइंट नोट कर लेना, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। अगर मैं हार्मोनिक्स को निगलेक्ट कर दूं, मतलब अगर मैं बीएम की वैल्यू
इस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग देखूंगा तो जो मेरी रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा राजे, वो मेरे पास जो भी बनेगा, मान एक तो फंडामेंटल बनेगा जो आपने देखा था 3φm 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 3φm 5/2 साइन 5ωt प्लस अल्फा, ऐसी वेव फॉर्म बनेगी राजे। ठीक है, इसके अंदर ट्रिपल एन हार्मोनिक्स रिमूव हो जाती है, मींस जो थर्ड हार्मोनिक्स है इसका इफेक्ट इसमें नहीं आता। 3φm 7/2 साइन 7ωt माइनस अल्फा प्लस, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ, जे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, मीन ये मेरा फंडामेंटल कंपोनेंट है। ये क्या राजे, फंडामेंटल कंपोनेंट, दैट इज फंडामेंटल कंपोनेंट। जे क्या राजे, 5 है, इसका मतलब जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फिफ्थ टाइम है, इसका मतलब ये कौन सी है राजे, फिफ्थ हार्मोनिक्स। ये फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी 7 से मल्टीप्लाई है, इट मींस 7th हार्मोनिक्स। इसका मतलब क्वेश्चन ये बनेगा, मान लीजिए फंडामेंटल कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो बताइए भाई फिफ्थ हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी होगी, तो 5 टाइम ऑफ द फंडामेंटल हो जाएगी। तो नोट करके लिखिए जल्दी से इसको। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 7th हार्मोनिक्स की बोलूंगा तो फंडामेंटल की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी आपकी हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि बताइए स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी राजे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा। इसका मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट की जो स्पीड होगी वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड होगी, इसकी कितनी होगी राजे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई 5। समझ रहे हैं पॉइंट, 7th हार्मोनिक की कितनी आएगी, डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए भाई, दैट इज ओमेगा डिवाइड बाई 7। इसका मतलब ये हुआ राजे, अगर मैं फंडामेंटल कंपोनेंट की सिंक्रोनस स्पीड, मुझे पता है सिंक्रोनस स्पीड आएगी, तो जो फिफ्थ हार्मोनिक्स होगा उसकी वजह से जो स्पीड आएगी एन एस बाई 5, और जो 7th कंपोनेंट की वजह से स्पीड आएगी दैट इज एन एस बाई 7। एक पॉइंट तो ये पता चला, अगर फंडामेंटल की स्पीड मेरी एन एस है तो फिफ्थ हार्मोनिक्स की क्या हो जाएगी राजे, जितनी हार्मोनिक्स का उतने बटे लग जाएगा, उतना डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं पॉइंट, 7th है तो 7th से डिवाइड कर देंगे। दूसरी चीज ये पता चली, जो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट है इसमें जो स्पीड होगी दैट इज द अपोजिट टू द फंडामेंटल, 7th की जो स्पीड होगी वो सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल, इसमें नेगेटिव आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो मेरे पास जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हार्मोनिक्स के, अगर मैं हार्मोनिक्स की बात करूं तो सबसे पहले फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा, जी हार्मोनिक्स नहीं है लेकिन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ओमेगा आएगा, इसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक्स आएगा, फिर 7th आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, देन 17 आएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर, अगर ये मेरी एन एस स्पीड है इसकी स्पीड हो जाएगी राजे एन एस बाई 5, लेकिन अगर ये एन एस से रोटेट कर रहा है, जी किससे रोटेट करेगा, माइनस एन एस से, इसकी जो स्पीड होगी एन एस बाई 7, लेकिन प्लस का मीन उसी स्पीड में उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी दैट इज अपोजिट टू द फंडामेंटल। जो 11th है भाई इसका भी 9 लग जाएगा, माइनस एन एस बाई 11, इसका फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, लेकिन स्पीड कितनी होगी एन एस बाई 13। 17 वाले की कितनी होगी, माइनस एन एस डिवाइड बाई 17। इन्हें का मतलब ये हुआ, ये जो कंपोनेंट है एक बीच में शॉर्ट के आने वाले, इनकी जो स्पीड होती है वो एन एस बाई तो हार्मोनिक्स कंपोनेंट से डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड दैट इज अपोजिट टू द किससे भाई, फंडामेंटल कंपोनेंट। क्लियर, तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको भाई याद रखना है। तो मैं समरी इसकी लिख देता हूं जो आपने जेई एग्जाम के लिए याद रखना है। अगर लग रहा है भी मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मैं समरी में लिखूंगा, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द दिस लेक्चर। समझ रहे पॉइंट, तो सबसे पहले हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवलिंग वेव देखी। सबसे पहले तो ये देखा, नंबर ऑफ रोटर पोल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर पोल फॉर कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है बी अल्फा कॉमा टी दैट इज बी एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये क्या अभी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, इसकी स्पीड कितनी होगी भाई ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली तीसरा पॉइंट ये देखा था, अगर बी अल्फा टी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो इसकी ये कौन सी है भाई बैकवर्ड, दैट इज बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, उसकी स्पीड कितनी है माइनस ओमेगा, मीन्स दैट रोटेट अपोजिट टू द फंडामेंटल, सॉरी फॉरवर्ड। क्लियर, फोर्थ आपने देखा स्टैंडिंग वेव,
बी अल्फा टी, ये इक्वल टू होता है भाई बी फॉरवर्ड प्लस बी बैकवर्ड, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी बी एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा। ये है मेरी स्टैंडिंग वेव और इसको बोलते हैं राजे पल्सेटिंग वेव, और ये रोटेटिंग वेव नहीं होती, क्लियर। फिर मैंने देखा था सिंगल फेज फ्लक्स, सिंगल फेज फ्लक्स का जो नेचर आया था दैट इज स्टैंडिंग, कौन सा आया था भाई स्टैंडिंग मीन्स पल्सेटिंग वेव आया था, इसकी वजह से मोटर मेरी रोटेट नहीं करेगी, क्या करेगी राजे वाइब्रेट करेगी, समझ रहे हैं पॉइंट। तो सिक्स्थ पॉइंट मैंने देखा था थ्री फेज फ्लक्स के रिगार्डिंग, तो जो थ्री फेज फ्लक्स है ये मेरे पास क्या भाई रोटेटिंग है, जैसे ही मैं किसी भी चीज़ को थ्री फेज सप्लाई दूंगा उससे मेरा थ्री फेज फ्लक्स बनेगा, और जो थ्री फेज फ्लक्स होगा वो रोटेटिंग होगा, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा, अगर उसकी मैं स्पीड निकालूँ इन आरपीएम तो कितना आ जाएगा 120 f/p, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। एक मैं ना पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया भाई, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीन फेज अप्लाई किए आर वाई बी, तो मैंने देखा इसकी जो स्पीड है इस डायरेक्शन में क्या होगी ns होगी, अगर सिमिलरली मैं किसी दो फेज को इंटरचेंज कर दूं, मान लीजिए r तो मेरा इसी पोजीशन पे है, b और y को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, समझ रहे पॉइंट। जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो मेरी जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगी दैट इज 3φm/2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस केस में कितना आया था भाई फाई आर दैट इज इक्वल टू 3φm/2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, इसका मतलब ये मेरा फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव था, ये क्या मेरा बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं किसी दो फेज को थ्री फेज के केस में अगर मैं किसी दो फेज के को इंटरचेंज कर दूं तो मेरी जो स्पीड है वो अपोजिट हो जाती है, मतलब क्या हो गया डायरेक्शन मेरी चेंज हो जाएगी, क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सेवन्थ पॉइंट लिखिए, इफ एनी टू फेज ऑफ थ्री फेज सप्लाई इज इंटरचेंज, उसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी राजे रिवर्स हो जाएगी, मतलब क्या उसकी स्पीड क्या हो जाएगी रिवर्स्ड हो जाएगी, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम देखेंगे अगर मैं तीनों में से किसी दो फेज को इंटरचेंज कर दूं तो उस मोटर की जो स्पीड होती है भाई उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने बताया अगर फंडामेंटल कंपोनेंट ns स्पीड से रोटेट कर रहा है तो जो फिफ्थ कंपोनेंट होगा वो कितने पे करेगा -ns/7, मतलब अगर फंडामेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फिफ्थ हार्मोनिक्स वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी सिंक्रोनस स्पीड डिवाइड बाय सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर आगे मैं सेवन्थ के अकॉर्डिंग देखूँ तो ns/7 सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ns है सेम डायरेक्शन, फिर आ जाएगा 11th, इसकी कितनी हो जाएगी -ns/11, दैट इज अपोजिट टू द फंडामेंटल, क्लियर है भाई पॉइंट। तो इस लेक्चर का पूरा ये कंक्लूजन है, ये बस पॉइंट आपने रिमेंबर रखने इस लेक्चर के लिए, तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया सो दैट आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्लियर है भाई पॉइंट। अदरवाइज जेई के लिए इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं पॉइंट। मैं ऐसा करूंगा जैसे ही सब्जेक्ट मेरा जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा जब कंप्लीट होगा उसको मैं लास्ट में एक लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का कवर करूंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जेई के ही पॉइंट कवर होंगे, क्लियर है भाई। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।